दस हाथ खूटा से बीस हाथ झूठा से। ये जो प्रोग्राम आपके सामने दे रहे हैं गुलशन कैसेट के माध्यम से दे रहे हैं, बोल हैं अखिलेश शास्त्री ग्राम नंगला दौलत वाले। तो दस हाथ खूटा से बीस हाथ झूठा से तीस हाथ दूरी रहो चुगिला और जुआरी से, और चालीस हाथ सरापी से पचास हाथ कबाबी से साठ हाथ दूरी रहो चोर ब्रह्मचारी से। तो सत्तर हाथ लोभी से अस्सी हाथ क्रोधी से, सत्तर हाथ लोभी से अस्सी हाथ क्रोधी से, और नब्बे हाथ दूरी रहो रंडी पर नारी से। अरे सौ सौ हाथ कारे से, हजार हाथ सारे से, और लाख हाथ दूरी रहो सरे जय और सारी से। श्रोता बंधु, चुटकला ये उस समय का है। इसी चुटकुले में दो पात्र हैं, एक कोरी राजा है एक अहिर देवता है। कोरी राजा और अहिर देवता में बहुत अच्छा संबंध था, एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता था। खाते तो साथ साथ, लेटते तो साथ साथ, विद्यालय जाते तो साथ साथ, खेलने जाते तो साथ साथ, मार्केट जाते तो साथ साथ, और शादी भी की फिर भी साथ साथ। नारे प्रभु की माया। कोरी का राग दिन दूना चौगुना होता रहा, और अहिर देवता का राग डाउन में माइनस में जाता रहा। कोरी राजा इतना पैसे वाला हो गया, वो चकाचक है, और अहिर देवता बहुत गरीब है, दो वक्त की रोटियां भी नहीं है। जाड़े के दिन आए, यही दिन थे। अहिर देवता की देवी ने कही, स्वामी बाल बच्चों के लिए रजाई गद्दा का इंतजाम करिए, सर्दी का मौसम आ गया। अहिर देवता वहां से चले और एक बनिया के पास पहुंचे और 20 रुपए का चादरा लेकर के और अपने कंधा पर डारा और चले आ रहे थे रास्ते में। क्या देखा तो कोरी राजा मिल गए। कोरी राजा ने जैसे ही अहिर देवता को देखा, रामाकृष्णा हुई, कहने लगे भैया राम राम। अहिर देवता कहने लगे भैया राम 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 राम, और बताओ सब ठीक ठाक है। अहिर देवता बोले सब ठीक ठाक है। कोरी राजा बोले भैया जे तुम बखा पे धर के का लाए। अहिर देवता बोलो बस भैया सब सब बात पूछना, लेकिन ये बात मत पूछना। क्यों? फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कैसी है? श्रोता बंधु, अहिर देवता कहने लगा भैया अगर नहीं मानते हो तो सुनो, जो जे हम बखा पे रखे जाको नाव है गांठ गांठ गर्मी। कोरी बोलो भैया जाको का मतलब है? कि जाको मतलब जू है कि ब्याह शादी हो और कोई बरायत आए तो स्कूल में डाल दो, और सर्दियों की सीजन में रजाई गद्दा की कोई जरूरत नहीं, इसी गांठ गांठ गर्मी को गेट पर टांग दो हीटर चालू, ये टेंट का काम करती है। कोरी बोला फिर तो ये बहुत अच्छी चीज है, तुम ऐसा करो 10,000 रुपये हमसे ले लो, जो गांठ गांठ गर्मी हमें दे दे। अहिर सोचन लगो अगर 10,000 में ही दे दई तो पोल पट्टी खुल जाएगी।
बोला भैया नहीं हम ये नहीं देंगे। कुरी राजा बोले सुनो सब घर के लिए रजाई गद्दा और देंगे आपको 10,000 और देंगे। अहिर देवता बोलो कुरी भैया शर्त एक है दिखे ओ काऊ नहीं जे गांठ गांठ गर्मी कि चिंता मत करो 10,000 रुपया लेके और सब घर के रजाई गद्दा लेके और अहिर ठग के वहां से निकल आओ। अब कोरी गांठ गांठ गर्मी लाए सूटकेस में बंद करी और सब रात नींद नहीं आई। सोचन लगी कबे सवेरे की 4 बजे तब जो सौरभ की मम्मी को लेवाएवे जावे। जैसे ही सवेरे के 4 बजे मैया चकिया पीस रही थी जे नाय धोए के क्रीम पाउडर लगाए के मैया के पाए छुअन लगे। मैया ने पूछी लला ऐसे कौन सो गुरु मिलो है जो तुम दिन के 8 बजे लो चार पाई पे धरे रात ते 4 बजे जग के हमारे पाए छुए रहे। कुरी राजा बोले मैया तुम पर बुढ़ापा है अब जो सौरभ की मम्मी को लिवाए ले आए। कैसे कोरी राजा जा रहे हैं ससुराल के लिए लला सौरभ चले कोरी ससुराल हर गांठी गांठी ले गर्मी चले कोरी ससुराल आओ सुंदर हमारे साथ में जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं अंकुश बेटा नंगला दौलत वाले अंकुश और ये सौरभ चचेरे भाई हैं और दोनों बहुत मीठी ढोलक बजाते हैं। चिमटा पर जो संगति कर रहे हैं हमारे भ्राता सुशील भैया और हमारा जो साथ दे रहे हैं हमारा शिष्य वीरपाल शास्त्री नंगला धोकल वाले पाउडर क्रीम लगा चेहरा पे मंद मंद मुस्कुराई काठी काठी गर्मी को पिछोरा पेक में रखी लो भाई देख के हो सभैना रे काठी काठी ले गर्मी देख के और ससुराल में पहुंचे और जैसे ही ससुराल में कोरी राजा पहुंचे लला अंकुश सारी द्वार पे ठारी सारी ने देखे हाय जीजा आए सारी भाजती गई खेत पे कहीं पापा जीजा आए आए पर संग मिलाए काठी काठी गर्मी लाए देख के खुश भैनार काठी काठी ले गर्मी देख के ससुरार काठी काठी ले गर्मी चले कोरिया ससुरार श्रोता बंधु
जैसे ही सारी खेतों पर पहुंची कहीं पापा जी जाए। पापा बोले तो हम का करें, खीर पूरी बनाओ घरे, जीजा की सेवा करो जाए। संध्या के समय भोजन पानी करने के बाद और साले साहब चारपाई लाए, गद्दा रजाई लाए, कोरी राजा बोले नहीं हमें तुम्हारा ये कुछ नहीं चाहिए। साले बोले फिर, कोरी बोले सुनिए मुझे क्या चीज चाहिए। चुप का चारपाई एक लेके, छत पे देव बिछाई, कोई कपड़ा पासन रखियो, तुम सबयो रजाई लगी है पेसर हमार, काठी काठी ले गर्मी लगी है। चले कोरिय ससुरार, काठी काठी ले गर्मी चले। बंधु तीन मंजिल वाली छत पर चारपाई डाल दी, रजाई गद्दा कुछ भी नहीं रखा और कोरी राजा बाई खरारी चारपाई पे लेट गए। जैसे ही ठंड पड़ी थोड़ी सी, अरे काठी काठी गर्मी उठाई, और कबहू तो पैरन ते रखिले, कबहू ओड़े भाई रूठी गए जाके करतार, काठी काठी ले गर्मी रूठी गए। ससुरार काठे काठे ले गर्मी चले, अब रात के जैसे ही 9 बजे लला अंकुश, अब गांठ गांठ गर्मी उठाई, कबहू तो ओढ़े कबहू बिछाए, अब बासे को ठंड बच रही है। इधर रात्रि के 12 बज गए, सासु ने सोची कि लला जकाते गांठ गांठ गर्मी भरी है। 12 बजे सासु के मन में एक या पे एक जावे, इतनी ठंड में दमादू मरी गए, लली लाड़ा होई जावे तुरत तेरी सुकुमार, गाठी गाठी ले गर्मी तुरत। सासु ने कही बिटिया 3 दिना को जू गगरी में जल धरो, जू ले जाओ लला के गांठ गांठ गर्मी भरी है। आज बिटिया घड़ा को पानी लेकर के जैसे ही जीना पे खटपट खटपट हो के चली, पानी लेके पतिढेगा पहुंची, वहाँ हो पे ठंडक मारे दाती बंधी सोई, दाती खुली है नहीं रही, और जैसे तैसे दाती खुली तो कोरी का बोलो
डारू डारू निका जलती डारी दे ठगिनी तो पे हो पे गगरिया तीनी डाले गाठी गाठी ले गरमी गगरिया और जैसे ही तीन दिना को पानी डारो लेकिन बहु का पानी गिरते ही पानी गिरता निकल गई उनकी गाठ गाठ ते गर्मी चले गए ऊपर अखले शास्त्री कहे सच बानी लाधोमती बे शरमी हो समय जाओ ससुरार गाठी गाठी ले गरमी हो समय चले कोरिया ससुरार गाठी गाठी ले गरमी चल